ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे दर्शकों का देश प्रदेश लाइव के स्वागत है जी। ब्रेक तो पहले हिस्से दे विच असी गलबात की न्यूजीलैंड दे विच बहुत सारे बच्चों इस वक्त समस्यावां आ रही ने वीज़ा लैण दे विच जिदे सब तो वड्डी हर्डल बन रही है फंड्स। सो फंड संबंधी डिबेट डिटेल दे विच गल की है। बहुत सारे कोर्सेस डिमांड तो बाहर हो गए हैं, उन्होंने वैल्यू घट गई हैगी है। सो बच्चे रवायती ढंग दे नाल न्यूजीलैंड दे विच अपने कोर्सेस ने जिहड़े ओह ना सिलेक्ट करन, सही ढंग दे नाल सही एजेंट्स कोल जाके ही अपने कोर्स ने जिहड़े ओह सही ढंग दे नाल सिलेक्ट करन। दूजी अनाउंसमेंट सी कि पहली दूजी ते 3 मार्च नूं जिहड़े हैगे ने, पहले नूं पटियाला, 2 नूं जलंधर, 3 नूं अमृतसर विखे मिडवे एजुकेशन वालों इस वक्त सैमीनार किए जा रहे हैं। इन्हां सैमीनारां दे विच भाग लैके तुसीं 15 तो वध जिहड़े एजुकेशन प्रोवाइडर ने उहनां दे नाल अपनी गलबात कर सकदे हो। मौके ते जिहड़ा दाखला हैगा न्यूजीलैंड दे विच लै सकदे हो। जगजीत जी, सब तो पहला ब्रेक तो पहला जो ब्रेक तो बाद का जो दूजा सवाल है, पहला वो ये है कि इनटेक वाइज इस वक्त बहुत वड्डी समस्या आई बच्चों को। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस थे जो अगले इनटेक के नहीं मिल पाए। सो ये कदे नहीं सी होया कि न्यूजीलैंड के इन्नी भारी तादाद के बच्चे जाते रहन। हुण अगला इनटेक कि है और किवें तैयारी की जा रही है? सी अगले इनटेक्स जो हम फेब ऑलमोस्ट खत्म आ। फेब के जो मेन इनटेक होंगे फेब और जुलाई मेन इनटेक्स होंगे ने न्यूजीलैंड वास्ते। ये बाद जो अप्रैल में इनटेक एक आता है जिहड़े कि काफ़ी कोर्सेस ऑफर होंगे ने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी ऑफर करते हैं। उसके बाद जुलाई इनटेक आ रही है, तो जुलाई वास्ते भी सारे यूनिवर्सिटीज़ ओपन आ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओपन आ, प्राइवेट कॉलेजेस भी ओपन आ। इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस दे जिहड़े इनटेक्स आ एवरी 2 मंथ्स होंगे ही आ। तो जिहड़े जे मैं हुण दे जिहड़े कोर्सेस डिमांड च सी, जिवें तुसीं दस्सिया कि इनफ्लो इन्ना ज़्यादा सी कि कई कोर्सेस ऑफर ही नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वायरिकी ते जिहड़ा कोर्स सी डेयरी फार्मिंग दा और वुड मैनुफैक्चरिंग दा कोर्स ऑफर नहीं हो रहा सी, बट जिहड़ी लेटेस्ट अपडेट आ उहदे हिसाब नाल वायरिकी नूं अप्रूवल मिल गए ने उहदे हिसाब नाल, और जुलाई इनटेक शायद ऑफर करनगे, या असीं अगर कोई उस तो पहले अगर होएगा तो तुहानूं इनफॉर्म करनगे। बट अगे जिहड़े इनटेक्स आ उह ओपन आ डेयरी फार्मिंग वास्ते भी, हॉर्टीकल्चर वास्ते भी और एग्रीकल्चर वास्ते भी। ये तीनों कोर्सेस वायरिकी च ऑफर्ड आ। कुकरी की काफ़ी डिमांड सी, कुकरी की सीट्स नहीं आई थी, बट कई कॉलेजेस ने कुकरी भी ओपन किया है, वो भी सीट्स में हुण मिल जाएंगी। जो AIP आ जाता है तो कितने दिन तक बच्चे ने अपनी फीस भर के उत्थे कॉलेज पहुंचना चाहिए? नॉर्मली 2 वीक्स होंगे, 2 वीक, 10 वर्किंग डे कहते हैं, तो 2 हफ्ते ही हो गया। उस AIP लिखा होंगे, इनफैक्ट कई वीजा ऑफिसर डेट भी मैनशन कर देंगे ने, कई लिख देंगे ने 2 वीक्स, कई लिख देंगे ने 10 वर्किंग डेज जी। ऑप्शन होंगे AIP में। 5 बैंड वाले बच्चे, सॉरी 5.5 बैंड वाले बच्चे, पर किसी के विच एक च 5 रह गए या 4.5 रह गए, जिवें तुसीं पहला भी जिक्र कीता। 0.5 अगर कोई वेरिएशन है नॉर्मल जी रिक्वायरमेंट के हिसाब नाल, 0.5 की वेरिएशन है तो पाथवे कॉलेज के अंडर जो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाथवे तो बिना नहीं पॉसिबल, पाथवे के बिना अगर वो पाथवे कॉलेज के अंडर आते हैं 80% के उपर, अगर वो लिस्ट च आते हैं, जिवें ईडन आता या थोड़ा यूकॉल आ रहा या वेलटेक आ रहा CPIT आ रहा, इस ये कॉलेज अगर ऑप्शन तुम्हें देंगे ने उस तुम अपलाई कर सकते हो विद फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन किस आधार पे लगेगा बच्चे नु के बैंड किन्ने का? बैंड 0.5 दा, जिवें आस्ट्रेलिया दा एलिकोस जिवें आ उस मोमेंट ते लगेगा। ओदे नाल इंग्लिश नाल कोई फाउंडेशन भी पढ़ाएंगे। सिमिलरली एक बहुत अच्छा कोर्स आ BOP च, बे ओ प्लेंटी, जिहड़ा टोरंगा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ, जो कि काफ़ी ओपरचुनिटी टोरंगा च, मैं देखा कि स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट काफ़ी है टोरंगा रीजन से जाने वास्ते, क्योंकि पार्ट टाइम और फुल टाइम ओपरचुनिटीज़ काफ़ी है उत्थे। BOP ऑफर करता है इंजीनियरिंग कोर्सेज, जो कि मैं देखा कि काफ़ी सानू कोल स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हों को इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होंगे, जिवें 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं सिविल च, मैकेनिकल च, इलैक्ट्रिकल च, इलैक्ट्रॉनिक्स च, और 5.5 आ जाते हैं उन्होंने जी। जब 5.5 आ जाते हैं तो न्यूजीलैंड में ऑप्शन कोई है नहीं पहलों, क्योंकि जिन्हें भी कोर्सेस है ना इंजीनियरिंग के लेवल 6 के 2 साल के, उन्होंने रिक्वायरमेंट हमेशा होंगी सी 6 बैंड्स ओवरऑल, 5.5 इन ईच मॉड्यूल जी। BOP कला एक कॉलेज है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ऑफर करता 5.5 ओवरऑल च, 5.5 से 5 नीचे ऑफर कर रहा है, लेकिन वो तुम्हें एक फाउंडेशन कोर्स देता 18, मेरे ख्याल से 18 हफ्ते का है वो कोर्स। कॉस्टली तो नहीं ज्यादा? ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कोई फर्क विच उधर नहीं है, बट बहुत अच्छा है 5.5 वास्ते उधर कर सकते। पर गैप ना बदे इधर नालों चंगा बच्चा एडमिशन लेके अपना 5.5 पे कर सकते हैं, और इधर विच वीजा भी आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जदों ये कोर्स अपन लाना हैगा ये एम्बेसी नु भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हां असीं जिहड़ा हैगा एक एलिकोस टाइप जिहड़ा इंग्लिश दा कोर्स, हाई कमीशन अपडेटेड है, जिहड़े भी इंस्टीट्यूशन अप्लाई करेगा ऑफर लेटर लेगा वो ऑलरेडी अप्रूवल हाई कमीशन तो ले चुके हैं, ऑफर च मेंशन होएगा, ऑफर ते मेंशन होएगा और हाई कमीशन अपडेटेड है उस बारे। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 1-2-3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਥਵੇ ਕਾਲਜਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। BOP ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ BOP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੋਟ ਤੇ ਵੀ ਆਫਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 1-2-3 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੇਜੇ,
छोटी छोटियां गलतियां करके रिजेक्शन लग हाँ गया, जी किन्नी कु पॉसिबिलिटी है दोबारा अप्लाई करके वीजा लैंड दी? सी तीन रणबीर जी तीन टाइप के डिकलाइन से ने बेसिकली। एक डिकलाइन आ न्यूजीलैंड बेस्ड, न्यूजीलैंड का डिकलाइन आ, एक कैनेडा का, ऑस्ट्रेलिया का। मेजोरिटी 60-70% जो एप्लीकेशन आ रहे हैं न्यूजीलैंड वास्ते वो कैनेडा रिफ्यूज ने ऑलरेडी, जी ठीक है। और साढ़े मेंटेलिटी है साइको है कि इंडिया नॉर्थ इंडिया च पर्टिकुलरली जो 6 बैंड आ गए 12वीं पास बच्चा उन्हें कैनेडा अप्लाई करना ही करना है, चाहे वो मीट करे ना करे, क्राइटेरिया कुछ होए ना, बैथ फोर्स 40 भी होए, वो कंसल्टेंट ने चुके वीजा पा ही देना वाला, क्योंकि वो फर्स्ट इंटेंशन होंगी है कैनेडा पहुंच जावा, या रिफ्यूज करा के फिर न्यूजीलैंड आता है वो। इस केस से मैं कहूँगा, नेगेटिव नहीं कह रहा मैं न्यूजीलैंड, मैं कह रहा हर कंट्री का अलग असैसमेंट, वीजा असैसमेंट क्राइटेरिया है। न्यूजीलैंड यह नहीं कह रहा है कि कैनेडा तुम रिफ्यूज हो ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड आ गए, अगर वो न्यूजीलैंड के वीजा क्राइटेरिया असैसमेंट के हिसाब न अगर वो फिट बैठता फिर भी वीजा होंगे। और कैनेडा रिफ्यूजल वाले तो मैं एवं भी बहुत केसिस देखे ने, इन्ने प्रोसैस किए ने, उस भी देखे कि उन्होंने इंटरव्यू तक भी नहीं आता, सबजैक्ट टू तुम गाइडलाइनस फॉलो करो। यह नहीं कह रहा कि अख बंद करके ऑफर लाते इतने न्यूजीलैंड पाता, उस भी बड़ी सारी टेक्निकलिटीज़ आ किमें केस में प्रजेंट करना इमीग्रेसन के सामने, बट रिफ्यूजल केसिस न्यूजीलैंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेडे न्यूजीलैंड रिफ्यूज हुए हैं कैनेडा ऑस्ट्रेलिया की गल होगी, जो न्यूजीलैंड रिफ्यूज हुए हैं फॉर एग्जाम्पल फंड्स के, उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, असं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किन्ने सारे फंड्स के डिक्लाइन हुए से, सारे रिव्यू ते या रीअप्लाई ते ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन अप्रूव हो गए अप्रूव कि जिवें तुसीं पहले डिस्कस नशी किया पिछले शो से भी किया कि केसिस जिहड़े आ बैंक मैनेजर वेरीफाई नहीं कर रहे थे, हुण बैंक मैनेजर नूं जाके फिर स्टूडेंट्स ने जाके रिक्वेस्ट की, उन्होंने ऑथराइजेशन लैटर दी, इन्हें उन्होंने कहा गया कि तुसी वेरीफाई करो उन्होंने विजिटिंग कार्ड्स दिते हुए, उसके बाद जो रीअप्लाई किया इमीग्रेशन ऑफिसर वॉज सक्सेसफुली एबल टू टॉक टू द बैंक मैनेजर, वेरीफाई होया, वेरीफिकेशन हुई तो दोनों का वीजा अप्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम। जिस तरह जगजीत जी अज हर देश खास तौर पर न्यूजीलैंड एक कैनेडा की तर्ज से चलिया हुआ है कि बहुत अच्छे बैंड हो गए तो बच्चे लिया जाऊगा, इंग्लिश ठीक हो, इंटरव्यू तक ईवन हो रही है, अच्छे फंड हो, ये एजेंट्स की सिलेक्शन मैं लगता हूँ बहुत ज्यादा टेढ़ा काम हो गया है, हर एक को जाके फाइल लवाना वस का रोग नहीं है, तुसी भी दस्सिया कि प्रेजेंट भी नहीं कर सकता हर कोई फाइल नूं। रणबीर जी इहदा उल्टा मार्केट तुसी खुद भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो, तुहानूं पता होगा कि हर बंदा हुण न्यूजीलैंड प्रमोट भी नहीं करता, तुसी भी शो करते आ रहे हो मेरे ख्याल 8-10 साल, तुसी भी देखिया होगा पिछले जो 2014 और 2015 स्टार्ट च हर बंदा न्यूजीलैंड प्रमोट कर रहे थे, हुण तुसी अगर देखोगे तो न्यूजीलैंड प्रमोट करन वाले तुहानूं एक दो ही नज़र आणगे, असं खुद एक्सपीरियंस किया है। यदा रीज़न यही है कि यदा रीज़न यह है कि इमीग्रेशन भी कॉलेजेस नूं यह कह रहा है कि तुसी लिमिटेड एजेंट्स नाल काम करो, तुसी अगर 200 एजेंट नाल काम करोगे तो साड़ी कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं है, तुहाडा काम है एजेंट नूं रेगुलेट करना, साडा काम नहीं है एजेंट नूं देखना, तुसी एजेंट नूं देखो किहड़े एजेंट कोलों तुसी ऑथराइजेशन दे रहे हो, अगे अगे तुसी सिचुएशन होर चेंज होंदी नज़र आएगी तुहानूं देखना अप्रैल दे बाद। हुण कॉलेजेस की करनगे, जिहड़े छोटे छोटे एजेंट हैगे सी जो साल दे 5 एप्लीकेशन दिंदे सी उहनां दे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होणगे, वो रूट होणगे किसी वड्डे एजेंट दे थ्रू, ओके, क्योंकि और हुण कॉलेज एक क्योंकि इमीग्रेशन कॉलेज नूं कह रहा है रिस्पोंसिबल कह रहा है, असीं एजेंट नूं नहीं, कॉलेज पहलों होंदा सी असीं रिस्पोंसिबल होंदे, हुण कह रहा है एज कॉलेज रिस्पोंसिबल होएगा, तुहाडा काम आ तुसीं 80% तों उपर सक्सैस मेनटेन करोगे, तुसीं किवें करो तुसीं जाणो, तुसी एजेंट नूं ट्रेनिंग दो, प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दो, एजेंट नूं रेगुलराइज करो, कर करना है कॉन्ट्रैक्ट वंडो, देखो किहड़ा एजेंट किस कैलिबर दा है उहनूं देखो, तो चीज़ां काफ़ी चेंज होणगियां। इस साल बहुत ही इंट्रस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला न्यूजीलैंड वास्ते, मेरी यह राय रहेगी कि अपना ENZ आ रहे जिहड़े मैंबरस आ जिहड़े एजुकेशन न्यूजीलैंड ने जिहड़े अपॉइंट किए, गवर्नमेंट बॉडी आ उन्हें अपॉइंट किए, उहदी लिस्ट पब्लिक डोमेन च है, कोई छुपाई हुई लिस्ट नहीं है, पब्लिक डोमेन च है, वैबसाइट पर जाओ studyinnewzealand.com immigration.govt.nz एजेंट की लिस्ट देखो तुम्हें सारी मिल जाएगी। उत्तर इस वक्त बड़ी जरूरत है, स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, इकला मैं न्यूजीलैंड की गल नहीं कर रहा, तुम किसी भी देश के जाना वह एक्सपर्ट लभो, चाहे वह नैट पर लभो, चाहे कोई वैबसाइट लभो, चाहे किसी को पुछ पुछ के डूंघाई तक पहुँचो कि कौन एक्सपर्ट है, नहीं तो फाइल बहुत ट्रैवल कर दी है, एक तो दो तो तीन तो चार, और जो तुसी उहदी फीडबैक लैनी हुंदी है तो फीडबैक भी फिर उवें ट्रैवल कर करके आउंदी है, कोई ना कोई गलत इनफॉर्मेशन तुहाडे तक पहुँचती है, रिजैक्शन का कारण भी यही बनता है। साडा अवेयरनैस का शो लगातार पिछले कई सालों तो चलता है, तो इस मकसद में लैके कि बच्चों तक अवेयरनैस पहुँचाई जाए, अज न्यूजीलैंड हर कोई तुहाडी फाइल नहीं ला सकता, जे ला भी दिती तां वीज़ा नहीं आएगा, सो सही ढंग दे नाल अपना कंसलटेंट्स लभण की कोशिश करो। चलते चलते एक फिर तुहानूं दस दिए, 1 तरीक नूं पटियाला, 2 नूं जलंधर, 3 नूं अमृतसर साहब विखे जिहड़े दफ्तर ने खास तौर पर मिडवे के उन्होंने वक् वक्
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਜਾਂ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਇਹ ਫਸਟ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਜਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ 2016 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਜਲੰਧਰ 3 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬੋਗਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 2015 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਡ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਡਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਪਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਦਇਨ 20 ਡੇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ